कई दिन की इकट्ठी करके मलाई को मैं इसी से घी बनाती हूँ। मुझे बहुत कम घी खरीदना पड़ता है बाहर से, दो दिन बाहर रख करके फिर इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। कल रात को फ्रिज में रख दिया था, इससे मैं घी बनाऊंगी। फ्रिज में रखा तो बहुत टाइट है, इसको एक चम्मच की हेल्प से गोल गोल घुमा लेंगे। इसमें ताकत थोड़ा ज्यादा लग चाहिए, ठंड में थोड़ा टाइम लगता है, यही गर्मी में बहुत जल्दी इससे घी निकल आता है। गर्मी के टाइम में थोड़ा ठंडा मौसम रहता है तो ये इसमें खमीर जल्दी नहीं उठता है, और गर्मी में तो खमीर जल्दी उठता है तो जल्दी से घी बन जाता है। गर्मी में टाइम नहीं लगता है, ठंड में थोड़ा टाइम लगता है। ये बहुत टाइट हो गया है, ये देखिए, ये जब मैंने लिया था तो बिल्कुल लूज था, ये ऐसा टाइट हो गया। बस अब इसमें से मक्खन निकलने वाला है। दूध छोड़ दिया, अब बिल्कुल हल्का हो गया। अब इसमें पानी डालेंगे, मक्खन ऊपर ऊपर तैरने लगा है, मक्खन को निकाल करके कढ़ाई में रख लेंगे। इसको एक बार साफ पानी से धो लेते हैं, इसकी स्मेल है वो चली जाएगी। इसको गैस में चढ़ा करके पका लेंगे और इसका घी निकाल लेंगे। घी छोड़ने लगा, बस थोड़ा किनारे किनारे ये लाल सा दिखने लगे तो गैस को बंद कर देंगे। इतना फ्लेम ऊपर आ रहा है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये हमारा घी रेडी हो गया।